हेलो, इस वीडियो में हम फाइल टाइप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल टाइप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फाइल टाइप पे क्लिक करने के बाद ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक और यहाँ पे बहुत से यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे टेम्पलेट दिए गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी टेम्पलेट चाहिए तो हम उस पे क्लिक करेंगे, वो टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई टेम्पलेट सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे इनवॉइस के टेम्पलेट चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनवॉइस, ये लिखा और इसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। सर्च पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये इनवॉइस के यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएंगे। ये देखो, ये जितने भी टेम्पलेट हैं ये इनवॉइस के टेम्पलेट हैं। अब जो भी चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये टेम्पलेट यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है फाइल टैब में, अगला ओपन। ओपन में क्या होता है, अगर हमने कोई फाइल रखी हुई है यहाँ पे, ये देखो रिसेंट जो भी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं तो हम उस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद सेकंड है वन ड्राइव। वन ड्राइव पे अगर हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, वन ड्राइव ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ये अगर इसमें कोई अकाउंट वगैरह बनाया हुआ और कोई फाइल यहाँ पे रखी हुई है तो हम यहाँ से भी कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दिस पीसी। दिस पीसी में अगर कोई फाइल यहाँ पे रखी हुई है तो यहाँ से भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है ऐड ए प्लेस। यहाँ पे वन ड्राइव में कोई फाइल है, यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। अगर ब्राउज़ करना है यहाँ पे तो ब्राउज़ करके यहाँ कहाँ पे हमने फाइल को रखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो जो भी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं या किसी ड्राइव में रखी हुई है तो उस ड्राइव के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे फाइलें ओपन हो जाएगी। और हम ओपन पे क्लिक करेंगे, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड फर्स्ट फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद इन्फो पे जाएंगे। इन्फो पे जाने के बाद ये जो फाइल हमने ओपन की थी उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इस फाइल का साइज़ कितना है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, कैटेगरी क्या है, लास्ट मॉडिफाइड क्या है, क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड, ऑथर, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। तो मोर बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फाइल हमने ओपन की हुई है कोई भी फाइल, तो उसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओपन रीड ओनली, तो इस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, केवल पढ़ ही सकते हैं, इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे ओपन रीड ओनली, यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो है ये रीड ओनली यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज़ पे जाएंगे। क्लोज़ पे जाने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद हम यहाँ पे कौन सी फाइल ओपन करनी है, जैसे ये फाइल ओपन की थी जहाँ पे हमने रीड ओनली अप्लाई किया था, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद सपोज करो हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 2000 यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, वी कांट सेव स्टूडेंट रिकॉर्ड बिकॉज दी फाइल इज़ रीड ओनली, कि फाइल जो है रीड ओनली है, तो इस फाइल को, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड वन, इस फाइल को हम सेव नहीं कर सकते। यहाँ पे मैसेज आ रहा है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब ये है कि इस फाइल को हम केवल रीड ही कर सकते हैं, इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम दूसरे नाम से इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड वन है इसको हम सेव नहीं कर सकते, इसमें हम केवल इसको पढ़ ही सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे।
ओके पे क्लिक करने के बाद ये सेव करने के लिए आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पे जाएंगे। यहाँ पे बैक पे जाने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज विंडो पे जाएंगे। यहाँ पे विंडो को क्लोज़ करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे डोंट सेव क्लिक करेंगे। डोंट सेव क्लिक करने के बाद ये विंडो क्लोज़ हो जाएगी। क्लोज़, ये देखो, इसको भी क्लोज़ करेंगे। ये क्लोज़ करने के बाद इसको भी डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर इसको हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन करेंगे। ये ओपन किया और यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, ये ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो, ये जो फाइल है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड वन, अब ये नॉर्मल फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कुछ भी अब एडिट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेज जो है रीड ओनली का यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या कुछ डिलीट करना है तो डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फाइल पे जाके, इन्फो पे जाके, यहाँ पे ये जो रीड ओनली यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है हमारे पास, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी वर्कबुक है, इसमें हम पासवर्ड लगाएं ताकि इसको कोई दूसरा देख ना सके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3 4, ये पासवर्ड हमने लगाया। यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। री इंटर पासवर्ड, यहाँ पे वही जो हमने अभी भरा 1 2 3 4, ये इसके बाद ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्कबुक है ये प्रोटेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम यहाँ पे पासवर्ड भरेंगे तभी ये वर्कबुक ओपन होगी, अदरवाइज़ ये वर्कबुक ओपन नहीं होगी। तो ये देखो, यहाँ पे क्लोज़ पे हमने ये क्लिक किया। क्लोज़ पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर हम इसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड भरना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो, फाइल पे गए, ओपन पे गए। ओपन पे जाने के बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड वन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, पासवर्ड भरेंगे जो हमने पासवर्ड लगाया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये पासवर्ड भरा और इसके बाद ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये वर्कबुक यहाँ पे ओपन हो गई है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे वर्कबुक में पासवर्ड लगा सकते हैं, ताकि दूसरा उसमें कोई चेंजिंग ना कर सकें। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये जो वर्कबुक के लिए पासवर्ड लगाया था, इसको अगर हम हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, इन्फो पे जाएंगे। इसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। ये डिलीट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। ये देखो, यहाँ से ये पासवर्ड वर्कबुक के लिए यहाँ पे हट जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे, ये सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से इसको ओपन करेंगे फाइल को। इसके बाद यहाँ पे हम स्टूडेंट रिकॉर्ड को यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड भरने के लिए नहीं आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम पासवर्ड को इस वर्कबुक से हटा सकते हैं। इसके बाद आगे है, फाइल में जाएंगे, अगला है इन्फो पे जाएंगे। इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे जो अगला है वो है प्रोटेक्ट करंट शीट। प्रोटेक्ट करंट शीट का मतलब यह है कि हम शीट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो, यहाँ पे ये हम यहाँ पे बैक पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे पास शीटें हैं। ये देखो, 1 2 3 4, ये सभी शीटें यहाँ पे दी गई हैं। ये शीट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अगर हम इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये शीटें ओपन हो रही हैं। ये देखो, ये शीटें ओपन हो रही हैं। अगर हम इन शीटों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये प्रोटेक्ट करना है, बाकी शीटें हमें ये नहीं प्रोटेक्ट करनी है, यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाना है, हम रिकॉर्ड पे यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड पे क्लिक किया। इस शीट को हमने क्या करना है,
प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद इन्फो पे जाएंगे, इन्फो पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट करंट शीट, करंट शीट यहाँ पे जो ओपन शीट है उसको करंट शीट बोला जाता है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, जैसे कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड भरेंगे, सपोज करो 1 2 3 4, ये पासवर्ड हमने यहाँ पे भरा, ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे री इंटर पासवर्ड, फिर हमने 1 2 3 4 ये भरा, ओके पे क्लिक किया, ये पासवर्ड हमने भर दिया। तो पासवर्ड लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं या कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं तो ये काम हम इस शीट में नहीं कर सकते हैं, बाकी शीटों में अगर हम चाहें तो वो काम हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। ये सपोज़ करो हम ये जो हमारा फर्स्ट है रमन, इसको यहाँ से डिलीट करना है नेम को, तो ये देखो नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये नेम यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। इसके बाद ये अगर हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए ये देखो यहाँ पे हम कुछ भी लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड लगाया हुआ है। अगर हम ये शीट नंबर, ये फर्स्ट वाली ये शीट यहाँ पे, ये जो फर्स्ट में दी गई है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस शीट में अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो इस शीट में हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे 2000 ये लिखा, लिखने के बाद अगर इसमें कुछ डिलीट करना है तो इसमें डिलीट भी कर सकते हैं, ये देखो डिलीट भी हो रहा है। तो इस प्रकार हम किसी भी वर्कबुक में किसी भी शीट को पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर इस शीट से हम पासवर्ड को हटाने जाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद इन्फो पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अनप्रोटेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3 4, और इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये शीट से यहाँ से पासवर्ड हट गया है। अब हम जो शीट में पासवर्ड लगाया था उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे बैक पे क्लिक किया, अगर हम यहाँ पे कुछ एंटर करेंगे, सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा जैसे अमन, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, अगर इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ से हम पासवर्ड को, शीट से पासवर्ड अगर हमने हटाना है तो ये पासवर्ड हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अगला है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट शीट पे क्लिक किया, इसके बाद अगला जो है जो इन्फो पे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे मोर बटन पे क्लिक किया, अगला है हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है, सपोज करो ये बैक पे क्लिक किया, ये हमारे पास शीटें हैं, ये शीट हमारे पास है, ये इसके बाद शीट 3 है, इसके बाद रिकॉर्ड शीट है, इसके बाद शीट 1 है, इसके बाद शीट 2 है। यहाँ पे अगर और शीट चाहिए तो हम यहाँ पे न्यू शीट पे क्लिक करेंगे, ये शीट यहाँ पे आ जाएगी, ये देखो न्यू शीट पे क्लिक किया, ये शीट अगली, ये शीट नंबर 4 आ गया, फिर ये आगे क्लिक किया हमने, ये शीट नंबर 5 आ गया। तो इस प्रकार अगर हम चाहते हैं कि ये शीटें जो हैं, ये वर्कबुक की शीटें नीचे जो आई हुई हैं, ये शीटें यहाँ पे हम लॉक कर दें ताकि कोई भी यहाँ पे और शीट ऐड ना करे, तो शीट को पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद इन्फो पे जाएंगे, इन्फो पे जाने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक के मोर बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे 1 2 3 4, ये पासवर्ड हमने इसको लगाया, ये स्ट्रक्चर है, चेक किया यहाँ पे, ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4, ये पासवर्ड भरा, ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये शीटें हमारे पास हैं, तो ये शीटें अगर हम और शीट चाहिए यहाँ पे और शीट लाने जाते हैं तो ये शीट यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है इसको पासवर्ड से, तो यहाँ पे ये अगली शीट नहीं आएगी, ये देखो बंद पड़ी हुई है, अगली शीट हम यहाँ पे नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे इसको लॉक किया हुआ है पासवर्ड से। अगर हम यहाँ पे शीट लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे क्लिक करने के बाद
आगे क्या करेंगे, हम प्रोटेक्ट वर्कबुक के मोर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लिक किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड भरेंगे 1 2 3 4, ये पासवर्ड भरा, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो, अब जितनी भी शीटें चाहिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये शीटें यहाँ पे आती जाएंगी। तो इस प्रकार यहाँ पे हम ये जो हमारी शीट है इसको भी हम यहाँ पे पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस इसमें क्या होता है, अगर किसी फाइल में एक से ज़्यादा लोग उसमें काम करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन के द्वारा उस फाइल में काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है इंटरनेट होना चाहिए और राइट मैनेजमेंट सर्वर, उसमें जाके हम इसमें काम कर सकते हैं। अगर हम अपनी वर्कबुक में डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो वो सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसके बाद है मार्क एज ए फाइनल। अगर हमारी वर्कबुक पूरी तैयार है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क एज फाइनल करेंगे। उसके बाद उसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मार्क एज फाइनल और ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ एंटर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट एनी वे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने 2000 एंटर किया तो यहाँ पे एंटर हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने फाइल टैब के इन्फो कमांड के प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।